हाँ तो दोस्तों ITC का स्टॉक आज अराउंड 4 से 5% डाउन है, और ये क्यों डाउन है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि वो टोबैको से रिलेटेड यानी कि जो उनका टैक्सेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज वगैरह है तो उसके लिए एक अलग से एक एक्सपर्ट पैनल बनाने का सोच रहे हैं। मतलब वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में टोबैको के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, अभी जो टैक्स है उससे ज़्यादा होना चाहिए या नहीं। तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पर अभी बात चल रही है। तो देखिए अभी ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक्सपर्ट पैनल बैठेगी तो वहाँ पर जो ITC पे जो टैक्स है यानी कि जो टोबैको के जो प्रोडक्ट जो ITC बेचता है उसके ऊपर टैक्स वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, और अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो एट दी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे ITC की हमें कम होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि वहाँ पे अगर टैक्स का परसेंटेज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि वो पैसा टैक्स पे करने में जाएगा इसके लिए। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होंगे, अगर टैक्सेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं तो मेरे ख्याल से वो सीधा कंज्यूमर के ऊपर ITC हमें क्रॉस फॉरवर्ड करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा नहीं लगता मुझे कि वो अपने जेब से वहाँ पे टैक्स पे करेगा और वो प्राइसेस कस्टमर्स के लिए नहीं बढ़ाएगा। मेरे ख्याल से ये छोटे मोटे कंसोलिडेशन वगैरह अगर करेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो ये अक्यूमुलेशन के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए अब अराउंड 5% ये स्टॉक डाउन हो चुका है, 367 का भी ऑल टाइम हाई है, तो अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ये स्टॉक हमें नीचे मिल रहा है। अराउंड अगर इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 30% से भी ज़्यादा ये हमें अभी करेक्शन पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक पेशेंट इन्वेस्टर ने यही यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ITC की ये जो छोटी सी न्यूज़ है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।